गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 3 विकेट से हराया। लगातार 4 जीत के बाद टूट गया राजस्थान रॉयल्स का जीत का सिलसिला। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। शुभमन गिल बीच में एम्पायर से वाइड को लेकर लिए गए फैसले पर भिड़े। आप कहां ये मैच हारे के सवाल पर संजू सैमसन ने दिया दिलेरी भरा जवाब, विरोधी टीम भी रह गई दम। एक समय पर जीटी को 9 गेंद में 29 रनों की आवश्यकता थी और वहां से आरआर की टीम हारती है और उनका विजय रथ रुक जाता है। क्रिकेट को अगर अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है तो इसमें राशिद खान और राहुल तेवतिया जैसे खिलाड़ियों का बड़ा योगदान है। मैच के बाद संजू सैमसन ने गुजरात टाइटंस की तारीफ भी की। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 3 विकेट से हराया। ये आईपीएल 2024 में संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान टीम की पहली हार रही। पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 196 रन बनाए। इसके जवाब में गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 199 रन बनाकर मैच जीत लिया। आईपीएल 2024 में पहली हार झेलने पर राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन निराश दिखे। हालांकि संजू सैमसन ने मैच के बाद बेखौफ जवाब दिया। राजस्थान के कप्तान ने बताया कि टीम ने कहां मैच गवाया, साथ ही टीम के स्कोर पर भी बड़ी बात कही। आईपीएल 2024 के 24वें सीजन में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को रोमांचक मैच में आखिरी गेंद पर हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 रन बनाए थे। गुजरात को जीत के लिए 197 का लक्ष्य मिला। शुभमन गिल ने 77 रन की पारी खेली, वहीं राशिद खान ने नाबाद 24 रन बनाकर टीम को मैच जिता दिया। बता दें कि एक समय पर जीटी को 9 गेंद में 29 रनों की आवश्यकता थी और वहां से आरआर की टीम हारती है और उनका विजय रथ रुक जाता है। क्रिकेट को अगर अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है तो इसमें राशिद खान और राहुल तेवतिया जैसे खिलाड़ियों का बड़ा योगदान है। जीटी के लिए ये जीत काफी जरूरी थी। वो दबाव में थे और जब वे दबाव में होते हैं तो राशिद खान और राहुल तेवतिया हमेशा कमाल करते हैं। दोनों मिलकर 19वें ओवर में 20 रन लिए। हालांकि तेवतिया जीत दिलाने से पहले ही रन आउट हो गए। दाएं हाथ के बल्लेबाज रियान पराग ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में 48 गेंदों का सामना करते हुए 158 की स्ट्राइक रेट से 76 रन बनाए। उनकी पारी में 3 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। राजस्थान टीम के लिए वो लगातार रन बना रहे हैं। पराग ने जब तक आईपीएल में 5 शतक जड़े हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।